नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम विकास परिहार लिखित मनीष पद्य के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। वास्तविकता यह पद्य एक हाइकू कविता है। हाइकू यह हिंदी साहित्य में पद्य की विधा जापान इस देश से आई है। 5वीं दशक से हाइकू इस विधा को भारतीय साहित्य में स्वीकार किया गया है। वास्तविकता हाइकू इस कविता में 5, 7 और 5 इन 17 वर्णों के ढांचे में यह कविता रची जाती है। छात्रों, हम जानते हैं कि कविता जब कवि निर्माण करता है तो उसके आसपास के वातावरण को वह कम से कम शब्दों में वहां पर शब्दबद्ध करता है। उसके आसपास के वातावरण की छवि उसके साहित्य में निर्देशित होती है, सामने आती है। हमारा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। कभी कभी इस प्रकार की समस्याएं आती है, प्रसंग आते हैं जिनमें हम संकट में फंस जाते हैं। आकाश में भी घने बादल होते हैं, उन बादलों के बीच में कोई प्रकाश निकलता है तो घने अंधेरे में वो प्रकाश अत्यधिक प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा भी जीवन होता है। जब हम समस्याओं से निकलकर उभर कर आते हैं, उन समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन भी उसी प्रकाश की समान ही और अत्यधिक प्रकाशित होता है। गुलाब का फूल कांटों के ऊपर खिलता है। जब हम उस फूल को हम छूने का प्रयास करते हैं तो हमें कांटे चुभते हैं, लेकिन फूल की सुंदरता किस प्रकार की है? वह कांटों में रहते हुए भी वह हंसता है, मुस्कुराता है, हमें प्रेरणा देता है। उसी प्रकार से हमारा भी जीवन होता है। हमारा जीवन भी उन्हीं कांटों के समान होता है, लेकिन उस फूल से भी हमें प्रेरणा लेनी है। हमारा जीवन प्रफुल्लित करना है, उत्साहित करना है, आनंदित करना है। जब आकाश में घने बादल होते हैं, काले काले बादल होते हैं, तो वे बादल पानी के रूप में बरसने लगते हैं। उसी प्रकार से हमारे मन के भीतर की कुंठा भी अत्यधिक हो जाती है तो वह आंसुओं के रूप में बहने लगती है। हम विकास परिहार लिखित मनीष पद्य को समझने का प्रयास करते हैं।